अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की ओर से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। वीओसी बंदरगाह में आयोजित कोल जेटी 1 मैकेनाइजेशन कार्य के लिए एक विशेष पूजा। हमारी चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था थर्मल पावर प्लांट में अपने ओएनएम के कार्य को शुरू कर धीरे धीरे पोर्ट हैंडलिंग, ईपीसी मटेरियल हैंडलिंग, रेलवे एवं माइनिंग के कार्यों को बेहतरीन तौर से कर उसमें कई उपलब्धियों को हासिल कर अपने लिए एक अलग पहचान बनाती आ रही है। सिर्फ वही नहीं, हमारी संस्था द्वारा किए उन सभी प्रोजेक्ट के कार्यों को अपने अनुबंध के निर्धारित समय अवधि के अंदर ही संपन्न कर उसमें सफलता हासिल करती आ रही है। इस प्रकार अपनी तूतुकुड़ी में स्थित वीओ चिदंबरनार पोर्ट में हमारी संस्था द्वारा मैकेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए टेंजेट को संस्था ने हमें अनुबंध प्रदान किए हैं, और इसमें डिजाइन इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेरिन डक सिविल स्ट्रक्चर्स, ये सभी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। इसमें 2000 TPS गैंट्री ग्रैब टाइप शोर अनलोडर 2 एवं 4000 TPS कन्वेयर सिस्टम को तैयार कर उसे वहां के कन्वेयर सिस्टम के साथ एक दूसरे के साथ उसे जोड़े गए हैं। इस कार्य के शुभारंभ को दिनांक 14/7/2021 की सुबह 9:30 पर वीवो चिदंबरनाथ पोर्ट में इसे आयोजित किए। इस कार्यक्रम में तूतुकुड़ी थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता श्री कृष्ण कुमार जी, वीवो चिदंबरनाथ पोर्ट के मुख्य अभियंता श्री रवि कुमार जी एवं थर्मल पावर प्लांट के परिवेशन अभियंता SCM1 के श्री सिंदामरे कन्नन जी, SCM2 के श्री श्रीधर जी, SCES के श्री काजा मैदीन जी, SCO श्री सत्यनारायण जी, SCPND के श्रीमती राजलक्ष्मी जी, SC सिविल के श्रीमती यमुना रानी जी, EE ECHP 1 के श्री बी राम कुमार जी एवं प्रक्रिया इंजीनियर, और वीवो चिदंबरनाथ पोर्ट के परिवेशन इंजीनियर एवं प्रक्रिया इंजीनियर, इन सभी को हमारी संस्था के आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री VR सिंधुल कुमार जी ने उन्हें स्वर्णशाल एवं चंदन माला भेंट कर उनका स्वागत किए। और इस विशेष पूजा में हमारी संस्था के प्रेसिडेंट श्री ये शिव कुमार जी, श्री के सुकुमार जी एवं विभाग प्रबंधक, सभी इंजीनियर्स इस विशेष पूजा में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाए हैं। इसके साथ ही तूतुकुड़ी थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता श्री कृष्ण कुमार जी ने वहां अपनी वार्ता में कहा कि हमारी संस्था ने इस प्रोजेक्ट कार्य को 31/3/2022 तक संपन्न किए जाने का अनुबंध किए जाने के वजह से उनके किसी भी निर्देशों के लिए बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे की सहायता कर एक समूह के रूप में शामिल होकर इस कार्य को बेहद शीघ्र से शीघ्र संपन्न करना होगा। 31/3/2022 முடிச்சும் அப்படினு அஷூரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு நம்மளாலான அனைத்து ஒத்துழைப்பையும் அவங்களுக்கு செய்யணும். மோரோவர் இது வந்து அவங்க கான்ட்ராக்ட் ஒர்க், இபி ஒர்க்னு நம்ம பார்க்க கூடாது. இட்ஸ் எ டீம் ஒர்க். எல்லாருமே நம்ம கொலீக்ஸ் தான், கோ ஒர்க்கர்ஸ் தான். இட் இஸ் அவர் டீம். சென்னை ராதா எம்ப்ளாயீஸ், அவங்க சப்கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயீஸ், அவங்க நார்த் இந்தியன் எம்ப்ளாயீஸ், ஹார்பர் எம்ப்ளாயீஸ், போர்டு எம்ப்ளாயீஸ் நம்ம பிரிக்கக்கூடாது. நம்ம போர்டோட கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயீஸ் அஞ்சு விதமான ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம கூடி வேலை செய்கிறோம். நம்ம எல்லாரும் இட்ஸ் எ டீமாக இருந்தே இட் இஸ் அவர் ஒர்க், இட் இஸ் அவர் டீம்னு நினச்சி எல்லா ஈகோவையும் தனியாக கலத்தி வச்சுட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிய என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணுமோ, எவ்வளோ சீக்கிரம் பாடுபடணுமோ பாடுபட முடியும். உங்களுடைய சிறந்த ஆழ்த்தி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த முழு ஒத்துழைப்பு அதுக்கு நீங்கள் மின்வாரியத்துக்கு கொடுக்கணும். மின்சார வாரியம் நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம நல்லா இருக்க முடியும். और इसकी उन सभी से आशा जताए हैं। उसके पश्चात हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री VR सिंधुल कुमार जी ने अपनी वार्ता में कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और पूरे भारत के कुल अपने उन 35 साइटों पर परफॉर्मेंस बेस्ड कार्यों को हम बेहद बेहतरीन तौर से करते आ रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, हमारी संस्था में सुरक्षा के प्रति बेहद मुख्यता प्रदान कर उसमें कई पुरस्कारों को प्राप्त करते आ रहे हैं। रेलवे एवं माइंस जैसे कार्यों में भी बेहद
बेहतरीन योगदान प्रदान करते आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों पहले विस्टोडोम टूरिस्ट रेल कोच को हमारी संस्था द्वारा ही डिजाइन कर उसे निर्धारित समय के अंदर तैयार कर संपन्न किए हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किए और शुरुआत में हमें सिर्फ एक ही विस्टोडोम रेल कोच को तैयार किए जाने का ही अनुबंध प्रदान किए। उसकी सफलता के उपरांत हमारे द्वारा 10वीं विस्टोडोम रेल कोच को तैयार किए जाते वक्त पार्लियामेंटरी टीम मेंबर द्वारा विजिट किए जाते वक्त तो वहां के विस्टोडोम रेल कोच के डिजाइन को देखकर इसके लिए उन्होंने बेहद प्रशंसा किए हैं और इसे उन्होंने बेहद गर्व के साथ बयां किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समाचार को कुछ दिनों पहले दिनमलर दैनिक पत्रिका में भी प्रकाशित किए हैं और इसे भी उन्होंने सभी को सूचित किए और इसी प्रकार आंध्रा में भी रेल कोच को बिना किसी विलम्ब के निर्धारित समय के अंदर वहाँ सभी कार्य को हमने संपन्न किए हैं और इसी प्रकार कोल जेट्टी प्रोजेक्ट के कार्यों को भी सभी की बेहतरीन योगदान से हम संपन्न करेंगे और इसे भी उन्होंने वहां सभी को सूचित किए हैं। இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்க வந்து வி ஆர் பிளானிங் டு கமிஷன் பிஃபோர் மார்ச் 31st தான் எங்களுடைய எய்ம். ஆஸ் ஆன் டேட் வி ஆர் ஷெட்யூலிங் பர்ஃபெக்ட்லி, இட் இஸ் கோயிங் வித் அவர் ஷெட்யூல் டைம். ரீசென்ட்லி வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் நியர் டூ ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் திஸ் ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ வி ஹவ் ஆஸ்க் ஃபார் 40 டேஸ் டு கம்ப்ளீட் ஓவர் பிகாஸ் ஆஃப் கொரோனா அண்ட் ஆக்சிஜன் இஷ்யூஸ். தென் எம்டி டோல்ட் மீ அட்லீஸ்ட் வி ஹவ் டு கம்ப்ளீட் வித் 25-30 டேஸ். ஆஸ் எம்டி ரெக்வஸ்டட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் வித் இன் 21 டேஸ். हमारी जासूड़ा सीपीपी के क्लाइंट से बेहद प्रशंसा को हासिल किए हमारे सीएनडी के समूह। हमारी जासूड़ा सीपीपी साइट के सीएनडी के समूह द्वारा स्टकर कम रिक्लाइमर में किए मॉडिफिकेशन की महत्व एवं उसकी अनुप्रयोगों की महत्व को समझते हुए हमारे वेदांता के उच्च अधिकारियों ने इसके लिए हमारी सीएनडी के समूह की बेहद प्रशंसा कर उन्हें प्रोत्साहित किए हैं और उन सभी मॉडिफिकेशन का विवरण कुछ इस प्रकार है। स्टकर रिक्लाइमर 1 फेस 1 में न्यू HMI पैनल को एरेक्शन, ग्राफिक डिजाइनिंग, टैग असाइनिंग एंड कमीशनिंग कर सफलता को हासिल किए हैं और इससे पहले मई पैनल का स्पेयर्स ना मिल पाने की वजह से वह सर्विस में नहीं थी, इसलिए अब हमारे सीएनडी के समूह ने वहां न्यू HMI पैनल को लगाकर उसे सर्विस में लिए हैं और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए रेजिडेंट मैनेजर श्री अशोक कुमार जी, डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री सरवणन जी ने अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। अब इसी प्रकार स्टकर रिक्लाइमर 2 के फेस 2 में भी मॉडिफिकेशन किए जाने से वहां होने वाली ब्रेकडाउन को काफी हद तक नियंत्रण किए जाने एवं स्टकर रिक्लाइमर की गुणवत्ता में वृद्धि किए जाने में ये बेहद मददगार सिद्ध होगा। हमारी जासूड़ा IPP के समूह द्वारा एक और उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हैं। दरअसल अब तक से बेहतर हमारे समूह की योजना की बदौलत पिछले जून महीने में अत्यधिक रूप से कोयले को रिक्लाइमिंग थ्रू कंस्ट्रक्शन को 54% कर इसमें सफलता हासिल किए हैं। सिर्फ वही नहीं, ट्रक टिप्लर थ्रू हाईएस्ट अनलोडिंग 314,272.95 मेट्रिक टन कर इसमें सफलता हासिल किए हैं और इससे पहले पिछले दिसंबर महीने में 294,164.74 मेट्रिक टन किए हैं और ये बेहद ध्यान देने योग्य है। और हमारे समूह पिछले नवंबर 2019 से लेकर अब तक 65% से भी ज्यादा अचीव किए जाने के लिए इसकी प्रशंसा करते हुए हमारे वेदांता के CHP डिप्टी मैनेजर श्री दीपंकर घोष जी ने इसके लिए प्रशंसा पत्र द्वारा अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। उसके साथ ही हमारी जासूड़ा IPP साइट के ENV टीम द्वारा निरंतर सफाई कार्य की प्रगति के लिए प्रशंसा पत्र को हासिल किए हैं। दरअसल जासूड़ा IPP साइट में पिछले
पिछले महीने वेदांता सीएसपी के विभाग द्वारा वॉक थ्रू ऑडिट कर वहां के बंकर फ्लोर एवं BC6AB, B7AB और B8AB लोकेशन में निरंतर प्रगति के कारण वेदांता के सीएसपी डिप्टी मैनेजर श्री तरुण कुमार वर्मा जी ने हमारे ENV इंचार्ज श्री गिरीश चौबे जी एवं ENV के समूह को प्रशंसा पत्र प्रदान कर अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। इसके साथ ही श्री गिरीश चौबे जी द्वारा इसके बारे में बयां किए जाने पर ये कार्य मेंटेनेंस एवं ऑपरेशन के समूह की बेहतरीन योगदान की बदौलत से ही इस पुरस्कार को हासिल करने में हमें सफलता हासिल हुई है और इसे उनके द्वारा बयां किए हैं। इसके लिए हमारी संस्था के जासूड़ा IPP साइट के रेसिडेंट मैनेजर्स श्री के रवि जी एवं श्री आर इलवरसन जी ने अपने ऑपरेशन के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।